नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उतना कैपिटल आपका पास नहीं है, बट आपको एक अच्छा रिटर्न लाना है, तो आप उसका ऑप्शन में काम करके वो बेनिफिट ला सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अगर आप फ्यूचर में काम नहीं कर पा रहे, तो आप उसका ऑप्शन पे कैसे काम करेंगे। तो एज ए एग्जाम्पल, आज को मैं आपका सामने हीरो मोटोकॉम का एक चार्ट लगाया हूं। राइट हैंड साइड में उसका फ्यूचर लगाया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में उसका ऑप्शन लगाया हुआ है। तो देखिए, एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है सिग्नल प्रोवाइड करना, जो मार्केट में कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, उसका टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए काफी चैलेंजिंग मैटर होता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कोई पोजिशन पे एंट्री ले लिए हैं तो आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, एंट्री हम लोग ले लेते हैं बहुत टाइम, सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं एंट्री का साथ साथ एग्जिट कहां पर करना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो चार्ट खुला है, ये फ्यूचर का चार्ट है। ये जो एरो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये आपका बाय का कॉल है। तो जब भी कोई कॉल बनेगा, आपका स्कैनर पे मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपका काम जो है वो है कॉल को कंफर्म करना, जो वाकई ये कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को तीन चीज को देखना है। जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा, नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, ये जो कैंडल है इसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, कैंडल का कलर ग्रीन है मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए है, और ये जो नीचे में जो इंडिकेटर है, इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, इसका कलर भी ग्रीन होगा और ये ब्राउन का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच होते हैं, तभी जाके इस कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदर इज नॉट। तो देखिए, फ्यूचर का चार्ट है, और अगर आपके पास फ्यूचर नहीं है, आप उसका ऑप्शन में काम कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन का स्ट्राइक पे जैसे ये 3158 चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं 3140 का स्ट्राइक प्राइस को कॉल का उठाया हूं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे गिरने से हम लोग पुट बाय करते हैं। तो देखिए, जहां पर बाय का कॉल बना था, यहां पर भी आपको उसी टाइम देखना है कि तो यहां पर भी बाय का कॉल बना है कि नहीं। देखिए, ये जो एरो है ये बाय का कॉल है, बाइंग का टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्लू होके नीचे से ऊपर जाएगा, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, नीचे का रिबन ग्रीन होना चाहिए, ब्रिक्स भी ग्रीन रहेगा, ब्राउन का ऊपर रहेगा। तो इस टाइम देखिए इसका वैल्यू क्या था, लगभग इस कैंडल का वैल्यू है 70 रुपीज। अगर 300 का लॉट साइज होता है, तो आपका पास अगर 20 से 25 हजार रुपया का भी कैपिटल है, तो आप आराम से इसका स्टॉक ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 300 का लॉट का हिसाब से अगर आपको 20 पॉइंट भी प्रॉफिट मिल जाता है, तो भी आप आराम से यहाँ पर 6,000 रुपीज प्रॉफिट बना सकते हैं, लगभग 20 से 25 हजार कैपिटल में। तो इसके लिए ऑप्शन अभी काफी पॉपुलर है, जिसका पास उतना कैपिटल नहीं है वो ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकता है। तो अल्टीमेट देखेंगे, देखिए अगर एंट्री आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपको एग्जिट कहां पर करना पड़ेगा। तो देखिए, ये मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पर देखिए कैंडल धीरे धीरे ऊपर का तरफ मूवमेंट कर रहा है, और आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कब तक कैंडल का कलर ग्रीन है, जब तक कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा आपका पोजीशन सिक्योर रहेगा। देखिए, देखते देखते ये जो है 90 को टच कर चुका है, इस कैंडल का जो हाई है ये 90 कर दिया है। मैं अगर 70 में भी एंट्री लिया था तो 20 पॉइंट प्रॉफिट हो जाता है, 20 पॉइंट मतलब यहाँ पर आप आराम से 6,000 रुपीज प्रॉफिट बना लिए। बट आपको कब तक वेट करना है, उसके लिए आपका जो कैंडल का कलर है, मैं उसको थोड़ा सा वेट करूंगा और दिखाऊंगा। देखिए, अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और आपको यहाँ पर वेट करना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट दिख रहा है, देखिए अभी भी बाइंग ट्रेंड चल रहा है, आपको देखना है कैंडल का कलर कब चेंज हो रहा है। देखिए, कैंडल का कलर जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक आप वेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैंडल है इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जिट करना कहाँ है। आप 20 पॉइंट लेके पहले भी निकल सकते थे, अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहते थे तो आप इतना दूर तक वेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई देगा जो व्हाइट कैंडल बनना शुरू हो गया है, तो आपको वहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। तो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, जो कहां पर वेट करना है और कहां पर निकल जाना है। देखिए, याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन बायर से नीचे का ग्रीन होगा, ब्रिक्स का कलर ग्रीन होगा तो ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली कैंडल का कलर ग्रीन होगा तभी ट्रेड कीजिए। जैसे ये जो बाय का कॉल बना था व्हाइट कैंडल पे बना था, तो ट्रेड यहां पर नहीं होगा, ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड होगा। एग्जिट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, या फिर ये जो व्हाइट कैंडल आप देख रहे हैं यहां पर भी आप अपना पोजिशन को छोड़ सकते हैं। तो
तो ऑप्शन बायिंग के लिए ये एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है। अगर आप स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं नॉट ओनली फॉर स्टॉक ऑप्शन, आप इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना बोलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल के अंदर बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा थ्योरी है, दो चार वीडियो और देखिए काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर उसका बाद भी मन में कोई डाउट या क्वेरीज रहता है या अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।